हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू फ्रेश व्लॉग। अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल कर देना। तो आज हमको जाना है शूट करने, डिसाइड हमने किया है जगह, डेस्टिनेशन आज है हमारी दूध पथरी। तो दूध पथरी हमको जाना है, मेरी स्कूटी पे जाना है। तो आज मेरे साथ और दो दोस्त हैं, मगर वो पिछले वाले दोस्त नहीं है, नए हैं, तो उन्हीं के साथ जाना है शूट करने दूध पथरी। तो अभी मेरे लिए होता हूँ कपड़े वपड़े पहनता हूँ, मैं अभी होटल में हूँ, अभी टाइम आया है, नाउ निकलेंगे इंशाल्लाह यहाँ से 11 बजे और निकलेंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। तो आपको भी एक्सप्लोर कराएंगे, दिखाएंगे क्या क्या है दूध पथरी। बहुत अच्छी जगह, अच्छी प्लेस भी है, वहाँ पर दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर घूमने, देखते हैं क्या है। इंशाल्लाह हम भी आज देखेंगे और फोटो भी लेते हैं, आपको भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो देखते हैं आज हमको वहाँ पर खास क्या मिलेगा देखने के लिए। तो गाइज, ऊपर से मामा को मनाना पड़ा, प्लीज स्कूटी दे, हम स्कूटी पे जाएंगे और वापस आएंगे, क्योंकि मुझे फिर होटल पे काम है, इसलिए जल्दी भी आऊंगा। उसने बोला कोई बात नहीं, तो फिर ले लो, जल्दी आना। मगर तो जब वापस आएंगे इंशाल्लाह फिर या होटल पे ही आना है। तो गाइज, पहले हम तेल डालते हैं स्कूटी में। मेरे साथ और आज दो दोस्त है, मगर उनको आप नहीं जानते होंगे। तो हम निकलते हैं यहाँ से। तो गाइज, हम जा रहे हैं आज मैं और मेरे दो दोस्त, वो दूसरे दोस्त हैं जो आपने मेरे आपको पिछले वीडियो में दिखाए थे, वो वाले दोस्त नहीं, आज जो दूसरे दोस्त हैं। हेलो गाइस, हम आज जा रहे हैं दूध पथरी। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं एक डेस्टिनेशन पे, मगर हमको यहाँ शूट नहीं करना है। तो इस तरह की लोकेशन है, थोड़ी सी बहुत अच्छी लोकेशन है। तो मैंने हेलमेट लिया था, कल मैंने हेलमेट लिया था, मगर गोप्रो का वो बेल्ट जो लगता है हेलमेट पे, वो भी मैंने ऑर्डर किया, तो एक दो दिनों के बाद आएगा इंशाल्लाह। तो फिर अच्छे से शूट करेंगे इंशाल्लाह, आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएंगे। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको फुल सपोर्ट देना है मुझे, बस। तो ये देख सकते हो आप, ये जो पहाड़ है, पर्वत, छोटे छोटे से पर्वत, ये बहुत मस्त लग रहा है, मगर आज फॉग है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। ये देख सकते हो आप व्यू। तो गाइस, ये कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ये जो पेड़ है ये बहुत अच्छे दिख रहे हैं, ये सबसे पेड़ों में अच्छे यही लग रहे हैं। तो गाइस, ये बोल रहे थे यहाँ पर शूट करेंगे, यहाँ पर बहुत अच्छी जगह है, मगर इन्होंने शूट करना नहीं दिया यार, पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा है भाई। तो ये डेस्टिनेशन हमने फिक्स किए, ये बहुत अच्छी जगह है यहाँ पर, ये इस तरह की लोकेशन यहाँ। मैंने मास्क इसलिए पहनी है क्योंकि मुझे स्कूटी में बहुत सर्दी लगी। तो अब हम इंशाल्लाह फोटो शूट लेंगे। तो ये देखो आप, ये हमारे पास DSLR है। तो गाइस, ये आप ये पोज दे रहा है, तो मैंने एक फोटो लिया, दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो आप, ये हमारे पास DSLR है। तो गाइस, आज फ्राइडे भी है, नमाज भी पढ़नी है इंशाल्लाह, दूध पथरी में पढ़ेंगे यार, रे यार हमको जाना है, वो आज डेस्टिनेशन है हमारी। तो बहुत अच्छे फोटो शूट करेंगे, आपको भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो गाइज, मैं जब बारामूला गया था, मैंने आपको दिखाया था, वो दो व्लॉग मैंने बनाए थे, तो थोड़ी सी मुझे एक्सपीरियंस हो रही है कैसे व्लॉग बनाते हैं, और मैं यूट्यूब पे भी देखता हूँ। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, वहाँ पर वो थोड़ा सा कुछ उन्होंने फंक्शन की थी, वहाँ पर गाना भी उन्होंने अलाउ किया था, तो वहाँ पर वो गा रहे थे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मैं वो अपलोड करूँगी नहीं। बहुत अच्छी गज़ल मगर वो के वहाँ पर सुना रहा है गज़ल, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माई चैनल। देखो यहाँ पे दानिश पिक्चर उठा रहा है और ये कह रहा है मैं कौन सा वाला पोज दे दूँ जो सबको अच्छा लगे। आप देखो, ये दानिश है, दानिश ब्रो, देखो आप इसे, इसको देखो आप सब, देखो ये। और ये जूनियर ब्रो है जो उठा रहा है, देखो वो उठा रहा है।
देखो यहाँ पे दानिश ये छोटा लग रहा है इस वक्त, क्योंकि ऊंचाई पे पत्थर पे आप देखो देखो यहाँ के यहाँ का नजारा देखो आप सब। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप देखो हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, देखो कहाँ कहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो गाइस हमने फोटो कुछ लिए, तो अब हम चलते हैं दूसरी डेस्टिनेशन पे, तो आपको भी दिखाएंगे। तो गाइस ये देख सकते हो आप व्यू कश्मीर की। आप देखो यार ये दूध पत्थर का रोड है, आप यहाँ से आना, यहाँ यहाँ से बहुत मजा है यहाँ पे, और बहुत अच्छा अच्छा है, पेड़ है देखो कितने बड़े हैं। गाइस ये देख सकते हो आप व्यू, यहाँ पर भी हम शूट करेंगे थोड़ा सा कश्मीर की खूब। यहाँ से बहुत डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत बंदर भी होते हैं, टाइगर भी होते हैं यहाँ पे। तो भाई इस एरिया में मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि ये देख सकते हो आप हड्डी, किसी जानवर की हड्डी है, गाय की। तो अब हम जा रहे हैं शूट करने, अच्छी जगह ढूंढते हैं कहाँ पर शूट होगा। तो ये देख सकते हो आप व्यू कैसे सुंदर दिख रहा है, समझे, ये बालू के निशान काटा है इसको यहाँ। सो ब्यूटीफुल प्लेस, मैंने ये जगह चॉइस की है क्योंकि मैं यहाँ से बहुत बार आया हूँ अंकल के साथ। ये देख सकते हो मेरी रानी चंपा, ना क्या नाम रखूँगा आप, मैं ये सोच रहा हूँ क्योंकि मैं इसको खरीदने वाला हूँ, क्या नाम रखूँगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, इंशाल्लाह लेंगे हम। तो गैस हम जा रहे हैं दूसरी जगह पे, तो यहाँ पर भी हमने फोटो लिए है कुछ, तो मैं आपको दिखाऊंगा फिर बताना कैसे उठे हमारे फोटो। तो हमारे साथ भी फोटो वाला है, फोटो शूटर, बहुत अच्छा फोटो लेता है वो। तो गैस मुझे स्कूटी लेनी है, मामा की है तो मैं लूंगा, आप बताना कैसा रहेगा, और नाम भी बताना कॉमेंट करके, नाम बताना क्या रखूंगा मैं इसका। तो गैस हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने ही वाले, तो ये देख सकते हो आप व्यू। तो गैस हम दूध पत्थरी में एंटर हो चुके हैं, अब जाएंगे हम ऊपर, एक लोकेशन है तो वही हम फोटो शूट करेंगे इंशाल्लाह। तो गाइस यहाँ पर ये चाय वाय कुछ बेच रहे हैं, असली चाय तो हम घर में ही पी रहे हैं, हमको नहीं पी रही है। तो गाइस पहले टिकट लेनी है यहाँ, फिर छोड़ेंगे हम। तो पहले हम टिकट लेते हैं दूध पत्थरी एंटर। तो भाई ये देख सकते हो आप दूध पत्थरी चाय, ये यहाँ का रेस्टोरेंट हमको भी लेना है इंशाल्लाह दूध पत्थरी में रेस्टोरेंट। आपको मेरा बैकग्राउंड पता ही होगा, होटल में भी काम करता हूँ। यहाँ पर हो रहा चाय का छोटा मोटा नमकीन। तो गाइस ये मेरी चॉइस थी यहाँ पर शूट करना, यहाँ पर फॉग है मगर दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, ये मैंने चॉइस की है। ये देखो आप क्या ही दिख रहा है कसम से। तो गाइस ये चेक करो आप, कमेंट करके बताना मैंने अच्छी जगह चूज की है या नहीं। ये देखो आप फॉग है मगर यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो गाइस वहां पर भी वो कुछ शूट ले रहे कुछ बंदे। अभी दानिश इनायत का शूट उठा रहा है, आप देख सकते हो गाइस।
तो भाई एक बंदा हमारा पागल है, गाड़ी को धक्का मार रहा है। तो ये देखो आप कंकर, सारी बर्फ जमी हुई है यहाँ, वहां से यहाँ तक बस।